बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज मेरा पहला सेशन था टीम के साथ, क्योंकि मैं अभी डिपार्टमेंट से हो गया हूँ। वहाँ भी हम चैंपियन हुए और स्ट्रेट अवे मैं चैंपियन टीम को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, जिस तरह लास्ट टू ईयर से लाहौर कलंदर खेले, तो माशाल्लाह बड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। देखा जाता है कि जी जो इसमें T20 में आपको धुआंधार बैटिंग करें, जिसमें आपने टॉपर है, वो थोड़ा सा आप फोर डे क्रिकेट भी थी, वनडे में भी आप डेफिनेटली क्रिकेट, कितना आपने आपको इस तरफ ढालने के लिए आपको मुश्किल भी हो सकती है या चैलेंजिंग होगा ये आपके लिए? देखिए, जिस तरह आपको पता है कि एक PSL आपको पता है एक ब्रांड है और अच्छी टफ क्रिकेट है, तो लाजमी बात है इसके लिए भरपूर तैयारी जारी है। लेकिन जिस तरह मैं लगातार परफॉर्मेंस दे के आ रहा हूँ, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस हूँ इंशाल्लाह यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। स्ट्रगल करती है, मतलब मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर तो बड़ा अच्छा था मिडिल ऑर्डर में, तो सर जिम्मेदारी ज़्यादा होगी आप लोगों के ऊपर, आप हैं, दुलाशफी का है, रसी है। देखिए, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, देखो हम पूरा टाइम 7-8 साल से ना हम एज ओपनर खेल के आ रहे हैं, वन डाउन खेल के आ रहे हैं, तो लाजमी बात है अगर आप एकदम पाँचवें चट्टे पे जाते हो तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से प्लेयर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अभी इंशाल्लाह मुझे टॉप ओवर में मौका मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा करूँगा। अच्छा, टीम मैनेजमेंट ने आपको कोई बताया है कि किस पोजीशन पे आपने खेलना है, कोई इन्फॉर्म किया गया है? देखिए, टीम ने जो मुझे सेलेक्ट किया, तो लाजमी बात है वो मुझे अपने नंबर पे खिलाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि टॉप ऑर्डर पे मुझे खिलाएंगे। अच्छा, प्लान बताइए कि डोमेस्टिक में आप टॉप ऑर्डर में खेलते थे, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलें तो आपको मिडिल ऑर्डर में चांस मिला था, तो कोई किसी किस्म का आपको रणजीत था कि अगर मैं टॉप ऑर्डर में खेलता तो मुझे फॉर्म बता? देखिए, वहाँ पर पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि 5-6 ओपनर थे, तो लाजमी बात है पाकिस्तान की तरफ से खेलना ये भी एक एजाज़ की बात है, तो मेरे लिए वहाँ पे जाके एक मिडल ऑर्डर पे खेलना ये एक नया एक्सपीरियंस था। अगर आगे मुझे बता दे या अगर मुझे मौका मिले तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए भरपूर तैयारी करूँगा, मैं उसके लिए रेडी रहूँगा। तो हमें पता लगा कि हम आप विकेट कीपिंग भी करते रहे हैं, और इस सीज़न में लाहौर कलंदर की तरफ से हम आपको विकेट कीपर ऐसे देखेंगे? जी बिल्कुल, आप इस दफ़ा आपको एज ए कीपर नज़र आऊँगा लाहौर कलंदर की तरफ से, जिस तरह मैं पिछले साल कराची किंग्स से कर तो आ रहा था, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अच्छा बैटिंग में परफॉर्मेंस दो कि भी मैं अच्छा करूँ। अच्छा, आप टॉप परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक की अगर की बात करें, तो PSL में लाहौर कलंदर की जानब से आपकी पर कितना प्रेशर हुआ कि आपकी अच्छी फॉर्म चलती आ रही है, तो इस फॉर्म को किस तरह मेंटेन करें? देखिए, क्रिकेट सारी फॉर्म की बात होती है, अगर आपका फॉर्म लगा होता तो चाहे आप जिस तरह भी क्रिकेट खेलो तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है उससे, तो इंशाल्लाह उस फॉर्म को आगे जारी रखेंगे। और शाहीन की कप्तानी के बारे में थोड़ा सा बताइए। नो डाउट, शाहीन की कप्तानी सब के सामने, जिस तरह वो लास्ट ईयर से टीम को लेके आ रहे हो, चैम्पियंस टीम है, तो काफ़ी पुरजोश इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हैट्रिक करेंगे चैम्पियन होने का। राशिद जो है वो खासा हमारे लिए मकसद था लॉर्ड कलंदर के लिए, सफा नहीं है, तो आप कितना समझते हो उसकी मौजूदगी में, जो दूसरे स्पिनर है वो उसकी कमी पूरी कर सकते हैं? नो डाउट, जिस तरह वो ऑल ओवर वर्ल्ड में, मतलब जिस तरह वो बॉलिंग करते हो, जिस तरह वो फेमस है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ राशिद भी था, लेकिन सारे कर, जिस तरह शुरू में शाहीन और हारिस रोबडे था और में और जमान खान भी है, तो माशाल्लाह हमारी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग है, इंशाल्लाह आपको अच्छा क्रिकेट खेलने को मिलेगा। खान, आपका ताल्लुक KBK से है और लाहौर में भी काफ़ी लड़के हैं जिसका ताल्लुक KBK से है, अमूमन जो है लाहौर की रैबरी होती है कराची के साथ, तो आपके साथ अगर पेशावर जर्मी खेलेगी तो आप उसको अपना रैबर समझेंगे कराची को समझेंगे? देखिए, जिस चाहे जिसके साथ भी मैच चुना खेलेंगे तो मैं हम कलंदर की तरफ से, और चाहे जलमी हो चाहे कराची हो, और तगड़ा होकर खेलेंगे, और जिस तरह आपने उसकी बात की तो माशाल्लाह हमारी टीम में काफ़ी पठान भी है, तो मैं एक और ऐड हो गया, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी क्रिकेट देने को मिलेगा। ठीक ठीक थैंक यू।